मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी के ऐलान पर सियासत शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा है कि सरकार पर कोई विश्वास करने वाला नहीं है। सरकार को समझ में आ गया है कि जनता ने इन्हें हटाने का फैसला कर लिया है। नवंबर 2023 के चुनाव में बीजेपी आने वाली है। अपनी हार के डर से 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की घोषणा की है। अगर ये लोग घोषणा पूरी नहीं करेंगे तो हम करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विपक्ष के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। इस सरकार के ऊपर मैं अब कोई विश्वास नहीं करने वाला है। मेरे ही कल के उत्तर में सरकार ने स्वीकार किया है कि 36 घोषणाओं में से 17 घोषणाएं पूरी नहीं हुई है। तो अब इस सरकार के पास में धान खरीदी जो होने वाली है वो तो चुनाव के बाद होने वाली है। ये सरकार को तो चुनाव धान की खरीदी करना ही नहीं है। और इस सरकार को समझ में आ गया है कि जनता ने हमको हराने का निर्णय ले लिया है। नवंबर 2023 के चुनाव में बीजेपी आने वाली है, इसलिए अपनी हार के डर से इन्होंने 20 क्विंटल की घोषणा की है। जो पूरी ये नहीं करेंगे उसको पूरा हम करेंगे। साढ़े चार साल में क्यों नहीं किया? क्या यहाँ के किसान नहीं समझते? क्या यहाँ लोग नहीं समझते? अब धान खरीदी होगी कब? धान खरीदी जो है इस विधानसभा चुनाव के बाद होगी। नवंबर में यहां विधानसभा का चुनाव होगा, दिसंबर से धान खरीदी होगी। अब जो नई सरकार बनेगी वो धान खरीदी करेगी, तो इनको घोषणा करने में क्या है? हम तो चाहते हैं कि वो 25 क्विंटल की घोषणा करते। किसानों का प्रदेश है और किसानों के बदौलत हमारी सरकार बनी है, हमारे अन्नदाता है, तो उसकी जो डिमांड थी कि इसे 20 क्विंटल कर दिया जाए, तो वो जो डिमांड थी और हमारे तमाम सभी विधायक साथी मंत्रीगण सबकी भी ये मांग थी कि अब चूंकि किसान पूर्ण हो चुके हैं, किसानों को पहले 3,000 करोड़ रुपया ऋण मिलता था, वो बढ़ के 6 करोड़ हो गया, 6,000 करोड़ हो गया, अब दोबारा किसान थे वो बढ़ के 23.5 लाख हो गया। धान 55-57 लाख मीट्रिक टन खरीदी होता था, वो अब 107 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हम लोग कर रहे हैं। तो अब किसान पास पैसा हो गया है, तो जो खेती छोड़ चुके थे वो लौटे, जो किसानी खराब स्थिति में थी उसमें सुधार हुआ, और उस बात को ध्यान में रखते हुए अब किसानों के पास उत्पादन बहुत हो रहा है और किसान मजबूरी में 1300, 1400, 1200 रुपया क्विंटल में धान बेचने के लिए बाहर में बाध्य होते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए किसानों की डिमांड पे, हमारी जनप्रतिनिधियों की डिमांड पे, मंत्रिमंडल के साथियों की डिमांड पे ये 15 क्विंटल से बढ़ा के 20 क्विंटल इस सरकार के ऊपर।